वेलकम बैक टू चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वैग्नाफिक्स। तो वैग्नाफिक्स के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं चेंज स्पार्क प्लग्स। दिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, कितना मेंटेन रखना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो स्पार्क प्लग चेंज करने का मेन रीजन सबसे बड़ा ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर कार्बन जमने लग जाता है और वो फ्यूल को प्रॉपरली बर्न करने देता नहीं है, और वही अनबर्न फ्यूल माइलेज ड्रॉप भी करता है और परफॉर्मेंस भी ड्रॉप करता है। तो उसी वजह से हमें स्पार्क प्लग चेंज करने की या फिर क्लीन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो टाइम टू टाइम ये स्पार्क प्लग्स मेंटेन करना भी ज़रूरी पड़ जाता है, और साथ ही साथ ये सर्विस के टाइम आप करवा सकते हो, पर मोस्टली कोई करता नहीं है। पर आई सजेस्ट कि कम से कम 6 महीने में एक बार तो ये स्पार्क प्लग्स क्लीन करने चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले स्पार्क प्लग कहाँ होता है ना, वो दिखा देता हूँ। बोनेट खोलते ही आपको ये इंजन कवर देखने को मिल जाएगा। किसी किसी कार में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। अभी ऑलमोस्ट सभी कार में ये इंजन कवर आपको मिलता ही है। तो उसी के नीचे स्पार्क प्लग्स होते हैं, 3 हो या 4। आपकी कार कितनी सिलेंडर्स की है उसके हिसाब से स्पार्क प्लग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वैगनर में इंजन ये 3 सिलेंडर वाला होता है, तो कवर को हटाते ही आपको ये 3 कनेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इनको निकालने के लिए आपको 10 mm का सॉकेट लगेगा, तो वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो ये है इग्निशन कॉइल जिससे स्पार्क प्लग कनेक्टेड होते हैं। इसी के अंदर आपको स्पार्क प्लग्स देखने को मिल जाएंगे। तो उनको निकालने के लिए हमें लगेगा 16 mm का सॉकेट। इनको भी मैं पहले निकाल लेता हूँ। अभी ये स्पार्क प्लग्स ऑलमोस्ट कभी चेंज किए थे या क्लीन किए थे मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी 3 नए लेके रखे थे, तो वही अभी हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं सारे इग्निशन कॉइल को क्लीन कर लेता हूँ एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर टॉवल से। जब तक क्लीन ना हो जाए अच्छे से साफ कर लेना, और फिर अभी हम नए स्पार्क प्लग इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। ये है एमजीपी के जेन्युइन पार्ट्स, और ये एक मुझे मिला है ऑलमोस्ट 149 रुपीज का। एक एक करके अभी डाल देंगे इसको अंदर, और पहले ही सब टाइट नहीं करना है। पहले थ्रेड्स मैच कर लेना अपने अंदाजे से, ताकि हड़बड़ी में थ्रेड्स कट ना जाए। फिर लास्ट में सबको एक एक करके टाइट कर लेना। कनेक्टर्स को भी मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूंगा WD40 की मदद से, ताकि जो भी मॉइस्चर या फिर कार्बन इसमें जमा है वो भी क्लीन हो जाए। तो ये हो गए हमारे स्पार्क प्लग रिप्लेस। रिजल्ट्स की बात करें तो आपको माइलेज में और थोड़ा पिकअप में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। गाड़ी अच्छे से पिकअप करेगी और माइलेज भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाएगा, और आपकी गाड़ी फ्यूल को अच्छे से बर्न भी करेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वाले वीडियो डालूं तभी आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर ही सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है ही। और इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको परचेस करने हैं तो वो भी जाके आप परचेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।